एस्ट्रो विहार में आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। अगर अभी तक एस्ट्रो विहार से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन जरूर दबा लें। आज है 2 जनवरी 2023, नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल का साप्ताहिक राशिफल आज पहला राशिफल लेकर आए हैं 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक का, मिथुन से लेकर मीन तक के राशि का। तो आज 2 जनवरी है और आज का तिथि हो गया एकादशी तिथि हो गया है और हम आज पिछले राशिफल की भांति इस बार भी हम मिथुन राशि से शुरुआत करते हैं 2 जनवरी 2023 से 8 जनवरी 2023 तक का। तो चलिए हम मिथुन राशि से शुरुआत करते कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह का योग थोड़ा दिक्कत का बन रहा है, इसलिए अपने व्यायाम और एक्सरसाइज पर थोड़ा सा ध्यान देते रहें। हालांकि पहले जितना सतर्क थे, थोड़ी सी सावधानी अगर बढ़ते हुए रहें तो यह आपके लिए बेहद अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जहां तक की बात हो किसी कमेटी या कोई गैरकानूनी निवेश लगाने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, लेकिन मुनाफा अगर अच्छा दिखाई दे तो आप सोच समझ के उसमें लगा सकते हैं, लेकिन संभव है कि धन आप थोड़ा सा सुरक्षित रखें, वही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उससे आपको कोई बड़ा नुकसान भी नहीं मिल सकता। नुकसान तो लगेगा लेकिन कोई बड़ा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। थोड़ा सा यह सप्ताह आपके लिए दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा तो कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा उनसे भी सतर्क रहे। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का अवसर आपको मिल सकेगा। यह सप्ताह कार्यस्थल पर काम करने से आपको कुछ बैरियत महसूस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्टेशन है आपका, उसके अनुसार काम हो। इस सप्ताह हो सके तो खाली समय का थोड़ा सा सदुपयोग करिए और उसको अपनी खाली अपने आप को ना रखें। यहाँ जब इस सप्ताह मेष राशि मिथुन राशि वालों के लिए स्टूडेंट लोग जो हैं, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए यह सप्ताह आसपास पढ़ाई लिखाई के माध्यम से थोड़ी सी मध्यम रहेगी। थोड़ा सा किसी चीज़ों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए या अपने आप को कहते हैं ना बेटर दिखाने के लिए उसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं वृष राशि की ओर। तो वृष राशि वालों के यह सप्ताह अत्यधिक रुकावट रास्ते में रोड़ा पैदा करेगा, आपके काम में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे आप ना चाहते हुए भी दूसरों की छोटी छोटी बातों पे आपको नाराज़गी महसूस होने लगेगी। इससे दूसरे आपसे दूर भागने लगेंगे और आप उनका समर्थन मिलने के बजाय आपको वो दिक्कत पैदा कर देंगे। वहीं हम किसी योजनाओं की बात अगर करें तो कोई भी योजना पे विचार करने से पहले दो बार सोच जरूर लें, कहे कि यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा कोई भी काम में रोड़ा बनने की उम्मीद ज़्यादा है। जिसका खामियाजा कोई आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र अगर रच रहा हो तो उसका खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। इस वजह से कोई भी काम को करने से पहले थोड़ा सा सोच लें, समझ लें और भविष्य में किसी भी चीज़ की खामियाजा भुगतने के लिए अगर सोच समझ के काम नहीं करते हैं तो भविष्य में कोई भी खामियाजा अगर होती है तो उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। हालांकि शुरुआत में आप उन पर उनके संगति पर नज़र रखते हुए ध्यान रखें कि उन लोगों के साथ उठते बैठते क्या क्या एक्टिविटी है, ताकि आपको संभलने का मौका मिल सके। ऐसे में थोड़ा सा कोई चुनौती भी अगर कोई लेकर आता है जीवन, तो आपका इस सप्ताह थोड़ा सा कार्य ज़्यादा रहेगा और जीवन में चुनौती भी बनी रहेगी। तो ऐसे में संभव है कि नए काम या कोई हो तो उसको थोड़ा सा संभल के करें और अलर्ट थोड़ा ज़्यादा रहें। जहाँ तक कि स्टूडेंट लोग की बात आती है तो स्टूडेंट लोग को भी अपने कार्य में सफलता पाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत होने की संभावनाएं जग रही है।
तो इस समय का भाग, अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उस समय उसका भाग उसके साथ देगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं मिथुन राशि की ओर। तो मिथुन वालों के लिए, चलिए मिथुन, अब हम आते हैं मेष राशि वालों के लिए। तो जीवन में किसी भी प्रकार की असुविधा और आपकी मानसिक शांति को यह सप्ताह खराब कर सकता है। ऐसे में बेहतर स्वास्थ्य के जीवन के लिए अपने शरीर को तकलीफ देने से बचें। यह सप्ताह आपको भूमि, रिटेल या सांस्कृतिक परियोजनों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह समय इन योजनाओं में निवेश करने के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाने देते हुए उनका उत्तम लाभ उठाइए, और आप अपने बारे में और अपनी ज़रूरतों को लेकर कई निर्णय लेते हैं, परंतु यह सप्ताह आपको खुद के बारे में ज़्यादा न सोचते हुए घर के दूसरे सदस्यों की ज़रूरतों में अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। थोड़ा सा करियर को बेहतर करने के लिए यह सप्ताह आपको, आपके लिए अहंकारी साबित हो सकता, जिसके चलते आप अपने ऑफिस में या दूसरों के साथ आपका बिहेव थोड़ा सा दूसरे ढंग का हो सकता है, जिस वजह से आपके स्टाफ हों या आपके घर वाले हों या एगरम बगरम जो भी हों, वो थोड़ा सा आपसे नाराज़ होने की संभावनाएं हैं। अगर आप यह सप्ताह जला, हालांकि भली भांति देखा जाए तो मिला जुला के सप्ताह ठीक ही रहने वाले हैं, और अगर आपको कोई सुंदर समाचार मिलने के भी सप्ताह योग दिखाई दे रहे हैं, अपने प्रयास को जारी रखें और मेहनत पे कभी भी शक न करें। मेहनत कभी भी विफल नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों का यह सप्ताह में सुधार आने की संभावनाएं हैं, परंतु जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपको बेचैन कर सकता है। इस वजह से मन को सुकून देने के लिए उस बेचैनी से थोड़ा सा बचें, और जहां तक कोशिश करें कि अपने मन को काबू में रखें, और कुछ पल को अपने दोस्तों के साथ बिताने की ज़रूरत होगी तो बेशक दोस्तों के साथ कुछ पल बिताइए, ताकि आपको थोड़ा सा सुकून महसूस मिले और थोड़ा सा सोचने का मौका मिले। यह सप्ताह आपको धन का लाभ कराने के लिहाज से बहुत उत्तम रहेगा। जहाँ तक की बात है आपको उचित अवसर मिलने का, तो यह आपको अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। यह सप्ताह घरेलू जिंदगी में चल रही तनातनी के कारण भी आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ता है, जिससे आपको थोड़ा सा राहत मिलने की संभावनाएं हैं। हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। करियर की बात करें तो यह सप्ताह आपके प्रयासों और विचारों से को आपके भाग्य का भरपूर समर्थन देने वाला है। तो ऐसे में अपने करियर में या कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं ये, या कोई कहीं कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करने से और उसको और ध्यान केंद्रित करने से सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अपनी मेहनत जारी रखिए और इसमें कहीं कोई शक मत करिए। अब हम बात करते हैं इस सप्ताह के सिंह राशि फल का। तो सिंह वालों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव से बना हुआ रहेगा। लगभग लगभग कोई काम करने के लिए जाते हैं तो होगा या नहीं होगा इस बात की भी आशंका बनी रहेगी, यानी कहते हैं ना 50-50 की उम्मीदें बनी रहेगी, जिसके चलते आपको थोड़ा सा समय अपने स्वास्थ्य के प्रति देने की ज़रूरत है। भौतिक और मानसिक दोनों पक्ष से सबल रहने से आप एक अच्छे ऊर्जा को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने का मौका मिलेगा और बीमार होने से आप बचेंगे। हालांकि कुछ घबराहट की शिकायत आपको यह सप्ताह रहेगी, इसलिए समय समय पर डॉक्टरों से संपर्क जरूर करते रहें। जहाँ तक हो सके आप अपने स्वास्थ्य का उत्तम आनंद लेने के लिए थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। शुरुआत में
थोड़ी सी पैसे बचाने की ज़रूरत है। यह सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला आपका होने वाला है और अंत सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में भी वृद्धि होगी, जिससे कि जैसे आपको मानसिक तनाव मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। टेंशन बढ़ेगा तो परिवार की परिस्थिति, परिवार में स्थिति के आप विरुद्ध काम करेंगे और थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को ठंडा रखने की ज़रूरत है, उत्तम सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि शांति में जो मार्ग है वो अशांति या टेंशन में वो मार्ग नहीं मिल पाता है। ठंड है, थोड़ा सा ख्याल रखिए सबको। और यह सप्ताह आपको जहाँ तक हो सके आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से उत्तम काम होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, तो हो सके तो अपने बॉस से या वरिष्ठ अधिकारी से रूखेपन स्वभाव अपना ना रखें और थोड़ा सा टेंशन को बगल में रख के ही उनसे भेंट मुलाकात करें। जहाँ तक की बात करते हैं आईटी वालों या इंजीनियरिंग का अधिक पढ़ाई लिखाई कर रहे छात्रों को कम मेहनत के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। यदि आप कोई परीक्षा देंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। यह सप्ताह आपके जीवन साथी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें और अपना रखने के आपकी वैवाहिक जीवन में उदासी की तरफ से ले जा सकती है, क्योंकि इससे आपके मन में अपने साथी के प्रति कई प्रकार के नकारात्मक विचार आने की संभावनाएं हैं। तो ऐसे में इस विकट परिस्थिति में हो सके तो नकारात्मक संभावनाएं नहीं लाएं मन में और जीवन साथी का भरपूर सहयोग करें और मिलजुल के ही रहें ताकि परिवार उन्नत रहे। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह बड़े बदलाव की उम्मीद दिख रही है, जिसके लिए अगर आप तैयार नहीं थे तो तैयार हो जाइए। आपका जिंदगी की और नज़रिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप ना चाहते हुए भी खुद को नकारात्मक से घिरा हुआ पा सकते हैं। तो ऐसे में हो सके तो अपने मन को मनोबल को मजबूत रखिए और नकारात्मक बातों से दूर रहिए। आपकी मनोकामना इस सप्ताह दुआओं के जरिए ही पूरी होगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि समय आपको भाग्य का साथ देगा और आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल हो पाएंगे। यह सप्ताह आपके स्वभाव में स्थिरता आपके जीवन में नहीं बनी रहेगी। ऐसे में आपको उन पर नियंत्रण रखने के लिए कोशिश करना चाहिए कि कैसे उस पर नियंत्रित कर सके। जहाँ तक कार क्षेत्र और निजी वाहन की बात है तो थोड़ा सा अपनों के करीबियों से दूरी बनाए रखें, वही आपके लिए बेहतर है। कहते हैं कि कभी भी अकेलापन या आप अपने अकेलेपन में दूसरों के साथ साझा करने से इस बार हिचकिचाएंगे और ऐसे में हिचकिचाएंगे और स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट लोग यह सप्ताह थोड़ा सा ध्यान देकर रखें, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में इस सप्ताह आपको आपकी छवि बिगाड़ सकती है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह में होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्य क्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद मिलेगा, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। यह सप्ताह भूल से भी किसी ज़मीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप पे घातक हमला हो सकता है, आपका धन डूब सकता है, आप परेशानी में फंस सकते हैं। जहाँ दूसरी नंबर बात कहते हैं कि आपको धन का हानि के साथ साथ परिवार में आर्थिक तंगी भी इस सप्ताह बन सकती है अगर आप यहाँ निवेश करते हैं, तो थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिए और यह सप्ताह में उचित फल, आपके मेहनत का उचित फल मिलेगा ज़रूर,
थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक की बात करते हैं आपके पक्ष में कोई फैसला आने की बात, तो और कोई पुराना केस चल रहा हो तो यह सप्ताह आपके पक्ष में ही वो फैसला आएगी, लेकिन मेहनत पे विश्वास रखिए और मन को घबराइए मत। अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, परंतु कार्यस्थल पर विचारों और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं मिलेगा। इस वजह से आप खुद को अकेलापन पाएंगे और करियर की भी रफ्तार बहुत कम दिखाई देगी। इस सप्ताह स्टूडेंट लोग के लिए थोड़ा सा घरेलू काम से बच के रहें और अपनी मेहनत को लगातार अपने पढ़ाई की ओर फोकस करें। घरेलू काम में आपको इधर उधर फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक की। तो वृश्चिक का यह सप्ताह, अगर कोई मांसाहारी है, जो मांसाहारी भोजन करता हो, तो इससे आपको कमजोरी की समस्या से भी निजात मिल सकता है। अगर कोई मांसाहारी हैं जो नॉनवेज खाते हैं, तो ऐसा भोजन करने से आपको अगर कमजोरी है तो आपको उससे निजात मिल सकता है। हालांकि बेहतर होगा कि बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर में ही बना भोजन खाएं और भोजन को हजम कराने के लिए रोज़ाना करीब योगा करिए, टहलिए, घूमिए, या फिर हो सके तो उसे खाना को पचने दें, उसके बाद ही कुछ थोड़ा सा करें। थोड़ा सा इस सप्ताह किसी से पैसा अगर उधार लिए थे तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर है और फिर से उधार लेने की नौबत आने वाली, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर पेशेंस रखते हैं तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। यह सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो ना चाहते हुए भी आपके परिवार के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। यदि आप किसी अधिकारी से मुलाकात करने के पूर्व अपने प्रयास कर रहे थे, तो यह सप्ताह अचानक आपको आपके प्रयास में सफलता दिलाएगी। जहाँ तक की बात आती है किसी करीबी या दोस्त से आपकी मुलाकात भी इस सप्ताह मुमकिन है, और अपने ज्ञान को थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि किसी जगह बात करने के बजाय बात करने के टाइम में थोड़ा सा चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर है। जो छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, यह सप्ताह उनको विदेश में पढ़ाई करने वाला सपना उनका पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो अपनी दृष्टि में धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी दृष्टि में सकारात्मक को लेते हुए, जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है, उसे स्वयं ही अपने प्रयासों से पटाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि यही धूल आपकी प्रगति को बाधा भी उत्पन्न करती है। इसलिए यह समय उससे बाहर निकलते हुए आपको अच्छा करने का मौका प्रदान करेगी। यह सप्ताह आपको धन की कमी भी खिला सकती है। आपके पास जो धन है इस सप्ताह खत्म भी हो सकता है, हाथ खाली होने की भी संभावनाएं हैं, जिसके कारण जो लोग अब तक आपसे बेवजह आपके पैसों पे बेवजह खर्च करते थे या आपसे जुड़े हुए रहते थे, उन लोग आपसे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे और आपकी जीवन में अहमियत को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो कहते हैं वैसे दोस्त होने से बेहतर है कि बिना दोस्त का रहें, जो दोस्त आपको धन के लालच में आपके नज़दीक आते हैं। दोस्ती वैसी हो जो बुरे वक्त में काम आए, अच्छे वक्त में जो काम आते हैं साथ रहते हैं वो दोस्त नहीं, जो बुरे वक्त में काम दे वही दोस्त होते हैं। तो इस सप्ताह में अचानक थोड़ा सा संभल के रहने से अचानक आपको धन की भी लाभ होने की संभावनाएं हैं। दूसरी नंबर बात हम आते हैं, जहाँ तक कि आप जो पैसा पहले खर्च कर चुके हैं वो धन थोड़ी सी पर्याप्त मात्रा में लौटने की उम्मीदें हैं, चाहे किसी और रूप में क्यों ना लौटे वो। अगर
इस राशि के कोई हैं जो व्यवसाय करते हैं तो उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहद बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आपको अपने व्यापार में विस्तार के कई हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी यह सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिलेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताज़ा भी महसूस करेंगे। अब हम आते हैं मकर राशि की ओर। तो मकर राशि का यह सप्ताह, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह थोड़ा सा मानसिक शांति के लिए, मानसिक शांति उनका भंग रहेगा। इस मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए थोड़े से दान पुण्य करने की भी ज़रूरत है। हो सके तो थोड़ा सा दान पुण्य अपना करते रहिए और लोगों के बीच बने रहिए। कोई असामाजिक कर्म धर्म के लिए कार्य में बजट का हिस्सा भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बचिए, हो सके तो सामाजिक कार्यों में बढ़ का हिस्सा लीजिए और असामाजिक कार्यों से थोड़ा सा दूर रखिए, ताकि मन में शांति बनी रहे। यह सप्ताह आपको धन का लाभ जरूर होगा, परंतु उस धन से आपको खुशी नहीं महसूस होगी, क्योंकि जो धन आपको प्राप्त होगा वह आपके उम्मीद से बहुत कम होगा। तो इससे संभव है कि आपको कुछ निराशा ही महसूस होगी, और ऐसे में कुछ बात समझने की भी आपको ज़रूरत है। मनुष्य को जितना भी मिल जाए उनकी इच्छाएं कभी कम नहीं होती, उन्हें लगता है थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। आपकी माताजी को इस सप्ताह आपको किसी पुरानी या गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देखकर आप अपने परिवार में किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा करने के लिए सोच सकते हैं और प्लान भी बना सकते हैं। प्लान बनता है तो धार्मिक स्थल पर जाइए, क्योंकि धर्म करने से कभी किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए, और माँ बाप को धर्म स्थान पर घुमाना जरूरी होता है, क्योंकि माँ बाप को तीर्थ स्थान घुमाना बाल बच्चों की ही जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर हम बात आते हैं, इस सप्ताह आपको अच्छे मौके मिलेंगे लाभ उठाने के लिए। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी चाकरी की तलाश में, उनके लिए सप्ताह थोड़ा सा धैर्य रखने की भी ज़रूरत है और मेहनत करते रहना है। थोड़ा सा अपने पेशेंस को मत खोइए। अब हम आते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बीमारी और भी बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को दूसरों के कामों में व्यस्त रखते हुए सही डॉक्टर से इलाज कराएं। यदि आप अपने घर से जुड़े कई निवेश के लिए सोच रहे हैं तो यह सप्ताह सामान्य से काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, क्यों और निवेश अगर करते हैं तो यह सप्ताह निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर किसी घर के किसी कामों में हिसाब के लिए किराया देना पड़े तो किराए के लिए हिस्सा देना पड़े तो उसके लिए भी आपको दे देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको जो धन का फिर जो रिटर्न बैक धन आएगा उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। जितना आप खर्च नहीं करेंगे उससे ज़्यादा आपको लाभ ही होगा। यह सप्ताह दूसरों से बात बात पर आपको विवाद करने में, मतभेद करने में और दूसरे के कामों में कामियां निकालने में आपको बहुत मन लगेगा, लेकिन ऐसे लक्षण थोड़ा अच्छे नहीं होते हैं। इस लक्षण को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। आपकी पारिवारिक शांति को बनाए रखने में यह सप्ताह आप सफल रहेंगे। दूसरी नंबर बात कहते हैं कि जहाँ तक हो सके निजी जीवन के कारण आप अपने करियर को लेकर बहुत लापरवाह हो जाएंगे, जिसके कारण आपको अपने विकास में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह सप्ताह कई छात्रों के लिए एकांत जगह की चाहत में बहुत से संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो स्टूडेंट लोग, जहां तक कि स्टूडेंट लोग की बात करें तो यह सप्ताह स्टूडेंट लोग के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है।
अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है, नहीं तो बिना शांति का कोई ज्ञान हासिल नहीं होता। अब हम आते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह खान पान पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। आप जितना संभव हो सके बाहर से खाने से परहेज करें और अपने आर्थिक फैसलों में थोड़ा सा सुधार लाएं, क्योंकि यह सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव को डाल सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव की वजह से थोड़ा सा आपके जीवन में बेहतर होने की ज़रूरत है और पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी यह सप्ताह आपको मदद करेगी, जिससे एक बार से कहते हैं ना कि अतीत में कभी कभी जो गाड़ी पटरी से उतर जाती है, समय के साथ अगर संभल के चलें तो वो गाड़ी पटरी से उतरी हुई गाड़ी भी फिर से पटरी पे आ जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके सकारात्मक विचार रहेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में कुछ कानूनी पछड़े पड़ने की संभावनाएं हैं, जिससे परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। हालांकि शुरुआत से ही अपने दस्तावेज तैयार रखकर आप इस प्रकार के परेशानियों से बच सकते हैं। यह समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा और इस दौरान आपकी काफ़ी हद तक आपको एक अच्छे क्लेवर में पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। थोड़ी सी आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहने की सलाह दी जाती है कि सप्ताह थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जाओं से आप बच के रहें। और अगर आपको यह राशिफल अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें और आपके सपोर्ट से ही थोड़ा सा हमारा भी कल्याण होते रहता है। जय श्री राम।